दोस्तों आपके फोटो में फोटोशॉप में एरर आता है और वो एरर 10 दिन का ट्रायल आपको दिखा रहा है। इस तरह का एरर आपके आता है और 10 दिन का ट्रायल वो आपको शो करता है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक्टिवेट मॉनिटर में जाना है, अपने फोटोशॉप का फोटोशॉप को क्लिक कर ये आइकन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन फाइल एंड पोर्ट पर क्लिक करना है और जो पहले वाला आपका लिंक है उसको कॉपी कर आपने ये ऊपर की तरफ आपने अपना फाइंडर खोलना है। फाइंडर खोलने के बाद गो पर जाना है और ये गो टू फोल्डर पर क्लिक करना है और इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर अपना लिंक पेस्ट करते हैं तो एंटर लगाना है, आपका पूरा प्रॉपर ये से खुल जाएगा। इसके बाद आप ये खोलने के बाद आपको क्या डिलीट करना है मैं आपको बताता हूँ। बहुत वीडियो में बहुत कुछ बताते हैं पर ऐसे नहीं करना है आपने। और उसके बाद आपने मैंने पूरा पहले कर अपने पर कर फिर यहाँ वीडियो बना के आपको बताया है। नेट चल रहा है मेरा, वो फोटोशॉप भी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है देखो। और उसके बाद आपने जो आपका 2024 का फोटोशॉप है ये देखो, मेरा जो पहला लिंक है ये है, ये वाला आपने पहले वाला कॉपी कर स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एनी टाइम जरूरत पड़ सकती है, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दोबारा दोबारा याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको वीडियो में समझाया है और खुद किया है और आपको भी कराने का तरीका बताया है। और आपको जो डिलीट करनी है फाइल वो करनी है अडोब क्रैश, ये वाली फाइल आपने डिलीट कर देनी है। डिलीट करने के बाद आपका फोटोशॉप बंद हो जाएगा, साइन अप मांगेगा, रिस्टार्ट करके देखना है आपका जो फोटोशॉप है, साइन अप मांगेगा, वो फोटोशॉप आपका खुलेगा नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, मेन चीज तो यही है कि आपका फोटोशॉप नहीं खुलेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। देखो मेरा जो फोटोशॉप है बिल्कुल वर्क कर रहा है, तो आपने जो चीज करनी है वो है आपको जो आपको फोटोशॉप का फिल्टर होगा उसके पास आपने ये क्रैक दिया होगा, जिसका क्रैक है वो अपने द्वारा इंस्टॉल कर देना है। जो वो साइन अप मांगे तो आपने द्वारा ये इंस्टॉल कर देना है, तो आपका जो फोटोशॉप है खुल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जो मर्जी काट पीट के देख लो, मुझे नहीं लगता कोई और ऑप्शन है इसको सेट करने का, आप और आसानी से इसको सेट कर काम कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैक की बनी हुई कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका हल मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ कर आपको जरूर बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको हल बताया है वो हल बहुत ही मुश्किल था, काफ़ी लोगों को वो हल नहीं मिला है। तो सब्सक्राइब एक और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।